Hello and welcome. In this video, you will learn about homophones. It's a nice fun way to improve vocabulary. So let's start. Well, first of all, आप homophone जो word है उसका meaning समझो. Homophone दो word से मिलके बना है, homo and phone. Homo means same and phone means sound. So basically, words having the same sound but different spellings and meanings. Sound same होना चाहिए, उनका pronunciation should be same. But they should have different spelling and meanings. उन्हें हम homophones कहते हैं. So let's take some example. और सबसे पहले यह है right. तो right, R-I-G-H-T, W-R-I-T, दोनों का pronunciation है right. But जो आपके left में है, यानी R-I-G-H-T, उसका meaning होता है दायां या सही. And W-R-I-T, इसका pronunciation is same, right. But meaning, you know, लिखना, okay? एंड यहां पे एक और है फ्लावर. तो दोनों का प्रोनंसिएशन है फ्लावर. यहां पे ध्यान दे एफ एल ओ यू आर. ये जो है कुछ स्टूडेंट्स इसको गलती से फ्लोर पढ़ते हैं, बट इट इज नॉट फ्लोर, इट इज फ्लावर. इट इज प्रोनाउंस्ड एज फ्लावर, यानी आटा. ओके, सो दोनों का प्रोनंसिएशन फ्लावर है. नाउ वी हैव दिस आवर. दोनों का प्रोनंसिएशन है आवर, बट ऑफकोर्स डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग्स. और अगेन यहां पे जो ओ यू आर है, कुछ स्टूडेंट इसको अवर पढ़ते. इट इज नॉट अवर, इट इज आवर, आवर कंट्री. ऑलराइट, नेक्स्ट इज पीस. सो यू कैन सी दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स बट सेम साउंड, सेम प्रोनाउंसिएशन. वेल, अब कुछ और एग्जांपल्स हैं. और यहां पे दे हैव अगेन द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स. नॉट, तो के एन ओ टी, नॉट होता है गांठ, जैसे रस्सी की हम गांठ बांधते हैं, सो दैट इज नॉट बांधना. और एन ओ टी, नॉट माने नहीं. मीट एंड मीट माने सेम स्पेलिंग, आई मीन सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स. ओके, ऐसे ही वीक है और ऐसे ही है आई. देन वी हैव नो. देन मेड, देखो एम ए डी ई, मेड माने बनाया. ये थर्ड फॉर्म है, एम ए के ई, मेक का थर्ड फॉर्म है मेड. और जो एम ए आई डी है, इस मेड का मतलब होता है फीमेल सर्वेंट. ओके, तो ये है एम ए आई डी, फीमेल सर्वेंट. स्पेलिंग ध्यान रखिए. सीन, तो यहां पे एस सी ई एन ई, सीन माने कोई सीनरी, यानी कोई दृश्य. और एस डबल एन सीन, ये थर्ड फॉर्म है सी का, तो इसका मतलब देखा, यू नो, सी माने देखना. तो थर्ड फॉर्म सी की सीन हो जाती है, जहां पे भी यूज होती है. वेल, नाउ वी हैव सम मोर एग्जाम्पल्स. अगेन सी, और यहां पर देख सकते हैं दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स. टेल, टी ए आई एल, टेल माने पूंछ, किसी एनिमल की पूंछ. और टी ए एल ई, टेल मीन्स कहानी. तो देखो आपने सुना होगा फेरी टेल, यानी परियों की कहानी, तो उसका स्पेलिंग इस तरह से होती है. स्टील, तो एस टी डबल एल, स्टील माने जो स्टील के बर्तन होते हैं, यू नो दैट स्टील, एक कार्बन एंड आयरन एंड कार्बन का एक अलॉय होता है स्टील. एंड वी हैव देन एस टी ई एल, स्टील माने चुराना. देन मेल, तो एम ए आई एल, मेल माने चिट्ठी, जैसे ईमेल में भी आपने ये स्पेलिंग देखी होगी. और दूसरा मेल है नर, यानी मेल फीमेल वाला मेल. ओके, नेक्स्ट इज स्टेयर. स्टेयर मीन्स घूरना. और दूसरा है स्टेयर माने सीढ़ी. और वेस्ट, तो वेस्ट माने बर्बाद करना होता है. और दूसरी स्पेलिंग डब्ल्यू ए आई एस टी, वेस्ट मीन्स कमर. ओके, ऑलराइट, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा. आप कमेंट बॉक्स में कुछ होमोफोन्स लिखिए, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितने होमोफोन्स आते हैं. तो जितने होमोफोन्स, यानी उनका साउंड सेम होना चाहिए बट उनकी स्पेलिंग्स और मीनिंग डिफरेंट होने चाहिए. बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने नहीं लिए हैं, ऑफकोर्स देर आर सो मेनी मोर एग्जाम्पल्स. तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए. सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी द नेक्स्ट वीडियो.